इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? तो दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ में एक मेरा इससे टेलीकॉम स्टूडेंट, आपका नाम क्या, कहाँ से आए? मेरा नाम है सुरेश, मैं मुंबई से आया हूँ। सुरेश मुझे बताओ कि मुंबई से इतनी दूर आए हो जबलपुर, क्या सोच के आए हो, मतलब कैसे आपने मेरे को चुना? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मुंबई में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, यूट्यूब से आपने आए हैं ये तो पता ही है, तो यूट्यूब में बहुत सारे इंस्टीट्यूट डले हुए हैं, तो आपने मुझे कैसे चुना? सर यहाँ पे स्टूडेंट का जो कंपोनेंट्स के बारे में हुआ, जो भी सेक्शन के वाइज हुआ, तो और हमारे पास ऐसा रहता है कि इतना टाइम भी नहीं रहता, कोई कोई किसी के स्टूडेंट पे टाइम नहीं रहते, तो हम लोग सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीख के अच्छा नॉलेज लेके कोई दुकान में अच्छा अपना लाइफ बना ऐसा। इसलिए तो कि तुमने ये देखा कि एक महीने का यहाँ पे हम सिखा रहे हैं, और हो सकता है कि तुम्हारे मुंबई में भी हो एक महीने का, तो तुमने एसर टेलीकॉम की क्यों चुना, मतलब यूट्यूब में क्या देखा हमारे लिए? सर वहाँ पे कैसे अभी वहाँ पे 2-3 महीना क्लासेस चलते हैं, और वहाँ पे चलते हैं 2 घंटे की क्लासेस, वहाँ पे प्रैक्टिकल भी ज्यादा नहीं रहते, और ओनली सर बोर्ड पे पढ़ाते हैं, लेकिन मैं जा चुका हूँ एक बार वहाँ पे, तो ओनली वहाँ पे 10 डेज का मैं कोर्स सीखा, वहाँ पे इतना इंटरेस्ट नहीं लगा कि और कंपोनेंट्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं मिला, मतलब 10 दिन में तो कुछ भी नहीं सीखे होगे, लिखवाया था और एग्जैक्टली बोर्ड ऑन बोर्ड पे कुछ नहीं पता चला और प्रैक्टिस नहीं करवाया, क्योंकि जबकि ये प्रैक्टिकल बोर्ड है, प्रैक्टिकल कोर्स है। अब मान लो बहुत सारे लड़के मेरे से पूछते हैं कि हमें तो लिखना ही नहीं आता सर, क्या हम कोर्स कर सकते हैं क्या, तो वो हाँ। वो तुम्हारे इंस्टीट्यूट में तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लिख ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट का जो फीडबैक में देखा है, 2 दिन के अंदर कंपोनेंट्स बोल पाते हैं, इतना ये कंपोनेंट्स के बारे में इतना नॉलेज है, तो सब मैं सब कंपेरिजन करके मैं दूसरे यहाँ पर अच्छा, जैसे तुमने बताया कि 10 दिन तुमने उस इंस्टीट्यूट को दिया, यहाँ पर तुमने जब शुरुआत में आए थे और अभी कितने दिन हो गए तुम्हें? मेरे को तो कंपोनेंट के नॉलेज यहाँ पे तो 4 दिन में मिला, और उसी में तो अक्टूबर 2 को गांधी जयंती आता, वो तो छुट्टी पे था, मतलब ऐसा पकड़ो 3 दिन में आप लोगों को नॉलेज पूरी तरह, मतलब अभी तक कितने दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए ना अभी कुछ? हाँ भाई सातवां दिन चल रहा है, तुम आए हो 7 दिन हुए सिर्फ खाली, तुमको 1 महीना नहीं 1.5 महीना नहीं 7 दिन, और कितना नॉलेज मिला अभी, कैसा लगता है तुमको यहाँ पर? अभी तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अच्छी तरह से सीख पाऊंगा, और मेन तो कंपोनेंट एकदम ऐसा परफेक्टली बैठ गया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप स्टडी भी यहाँ पे होते हैं, हमारा नाइट क्लासेस भी चलते हैं, हमारे एक राजेश सर करके भी है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, और यहाँ पे और यहाँ पर आपने आईसीआर देखे, आईसीयू की रिबोलिंग ने 7 दिन में क्या है, स्पीकर सेक्शन बना लोगे? अगर स्पीकर सेक्शन आया तो एकदम इजी से बना लो, माइक सेक्शन यहाँ से एकदम स्टार्टिंग कंपोनेंट्स हो गया, और चार्जिंग सेक्शन भी हुआ, स्पीकर सेक्शन हुआ, रिंगर सेक्शन हुआ, माइक सेक्शन, वाइब्रेटर सेक्शन, वाइब्रेटर सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, आज डिस्प्ले सेक्शन कल हुआ था, लाइट सेक्शन आज हुआ, और वो भी एंड्रॉइड का, कीपैड का, अगर कीपैड का कोई भी लाइट सेक्शन आएगा तो उसकी पूरी सप्लाई उसको बना सकते हो, उसको ट्रेस कर सकते हो? कर सकते सर, बिना कोई सर्किट डायग्राम के? हाँ सर कर सकते। क्या मैं सर्किट डायग्राम से सर पढ़ाता हूँ क्या यहाँ पर? नहीं सर नहीं पढ़ाते। तो चलो मतलब अब आखिरी में आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या आप राय देना चाहेंगे मुंबई के लड़कों या जो भी लड़के हैं जो देख रहे हैं वीडियो, क्या आप उनसे बोलना चाहेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सोचेंगे कि यार आसपास ही सीख लेते हैं, इतनी दूर आके क्या मतलब है? सर मैं भी ऐसे ही सोचा था पहला, लेकिन अगर सही नॉलेज मिलना मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि सही में नॉलेज मिलना चाहिए मुझे, तो मैं भी बहुत कंपैरिजन करके यहाँ पे आया, तो अच्छे स्टूडेंट मेरे को भी लगा 1 महीने में क्या होगा, तो यकीन नहीं किया था, अभी पता चला मुझे कि यहाँ पे 1 महीने में सीखा जा सकता है, सिखा सकते हैं और सीख भी सकते हैं, सीख सकते हैं, तो ये मिला। चलो तो दोस्तों ये है हमारे मुंबई से सुरेश, जिनका हमारे आउटपुट है, थैंक यू सुरेश, और आशा करते हैं कि अभी 7 दिन में आपने जितना सीखा और आने वाले दिनों में आप पूरा सीख के जाएं, ताकि आप अपना खुद का शॉप खोल सके, उस पर काम कर सके, कि बहुत सारे लड़कों ने जैसे बोलते हैं कि हम दूसरी जगह पे प्रैक्टिकल जाके काम करेंगे क्योंकि वहां पे और कुछ सीखने को मिलेगा, पर मैं कोशिश आपके लिए यही करूंगा कि आप अपना खुद का अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए कि आप अपना दुकान चला सके। एशिया टेलीकॉम एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट, कॉल फॉर एडमिशन 9644139972, डाउनलोड मोबाइल फ्री रिपेयरिंग एंड्रॉइड एप्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।